गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर असाइनमेंट ऑफ मैथ सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 1। तो ऑलरेडी आपके पास जो असाइनमेंट की PDF आ गई है, तो अब मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये वीडियो में आपको देखना है कि कौन सा आंसर किस तरह से लिखना है, ओके। और आपको पता है उस तरह से कि जिस तरह हमने पहले असाइनमेंट की हेल्प से पेपर निकाला था, उसी तरह इस बार भी असाइनमेंट में से ही पेपर आने वाला है। तो इसीलिए आज से हम असाइनमेंट के रिलेटेड वीडियोस आपको देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिए हैं, उसकी हेल्प से हमें कुछ जो यहाँ पर अमाउंट दी है वो हमें बनानी है। जैसे यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन यूज़ किया है, 2 रुपीज़ का है और 5 रुपीज़ का है। तो चलो, सबसे पहले कौन सा है, 2 रुपीज़ है। तो 2 रुपीज़ अगर हमें करने हैं तो हम 2 रुपीज़ का कॉइन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1 रुपीज़ का है तो फिर से 1 ले सकते हैं। 1 रुपीज़ के लिए हमें सिर्फ 1 का ही कॉइन यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो हम 1 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करेंगे। उसके बाद है 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ के लिए हम 2 रुपीज़ का एक कॉइन ले सकते हैं और 1 रुपीज़ का। सो 2 + 1 = 3 होगा। उसके बाद है 2 रुपीज़, फिर से 2 रुपीज़ है। तो पहले तो हमने 2 रुपीज़ का कॉइन लिया था, तो अब हम 1 1 रुपीज़ के 2 कॉइन लेंगे तो भी 2 रुपीज़ हो जाएंगे। उसके बाद है 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ के लिए हम 1 1 रुपीज़ के 2 कॉइन लेंगे। पहले जब 3 रुपीज़ था तो हमने एक 2 रुपीज़ का कॉइन लिया था और एक 1 रुपीज़ का, और अब हम 1 रुपीज़ के कॉइन यूज़ करेंगे 3 टाइम्स, 1 2 3, तो हो जाएंगे 3 रुपीज़। उसके बाद है 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ के लिए 5 का कॉइन लेंगे डायरेक्टली, ताकि 5 का कॉइन आता है इसीलिए हम 5 का कॉइन यूज़ करके भी 5 रुपीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ के लिए 2 + 2 = 4 करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 रुपीज़ के 2 कॉइन, यानी 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स यूज़ करेंगे। चलो, अब उसके बाद है 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ के लिए हम 1 1 रुपीज़ के 5 कॉइन यूज़ करेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फिर से 5 रुपीज़ के है तो 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पर पहले 5 रुपीज़ के कॉइन के लिए 5 रुपीज़ का जो कॉइन होता है वो डायरेक्टली ले लिया था। अब फिर से जब 5 रुपीज़ है तो हम 1 1 रुपीज़ के कॉइन यूज़ करेंगे। उसके बाद 5 रुपीज़ के कॉइन के लिए, उसके बाद हमने 5 रुपीज़ का कॉइन बनाना था तो हमने 1 1 रुपीज़ के 5 कॉइन्स लिए थे, है ना। 1 1 रुपीज़ के 5 कॉइन लिए थे। अब फिर से 5 रुपीज़ करने हैं तो हम 2 2 रुपीज़ वाले 2 कॉइन लेंगे और एक 1 रुपीज़ का लेंगे। उसके बाद 6 रुपीज़ है, तो 6 रुपीज़ का तो कॉइन नहीं होता है इसीलिए हम क्या करेंगे, एक 5 रुपीज़ का कॉइन लेंगे और एक 1 रुपीज़ का लेंगे, तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 रुपीज़ है, तो उसके लिए हम 1 1 रुपीज़ के 2 कॉइन लेंगे और एक 2 रुपीज़ का लेंगे, तो हो जाएंगे 4 1 2 3 और 4। उसके बाद 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ के लिए फिर से 2 2 रुपीज़ के कॉइन लिए हैं और 1 रुपीज़ का लिया है, है ना। चलो, उसके बाद है 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ के लिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स यूज़ किए यहाँ पर, है ना। फिर अभी 4 रुपीज़ करने हैं तो 1 2 1 रुपीज़ के 2 कॉइन और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन। 6 रुपीज़ के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 रुपीज़ के 6 कॉइन लिए हैं। उसके बाद 6 रुपीज़ के लिए फिर से देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 6, तो 2 2 रुपीज़ के 2 रुपीज़ के 2 कॉइन और 1 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स, 6 रुपीज़ है, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। चलो नेक्स्ट, हाउ मैनी बीड्स। अब यहाँ पर हमें काउंट करके लिखना होगा कि कितने बीड्स है। तो चलो, यहाँ पर जो नेकलेस दिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, एक जो नेकलेस है उसमें 10 बीड्स होते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि 10 बीड्स है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 टेंस मतलब 5 0 50। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3
थ्री हो गए, तो 3030 प्लस ये अलग से कितने हैं बीड्स 1 2, तो 3 नेकलेस के यहाँ पर हमें 3 लिख देने हैं और वंस में 2 है तो 2 लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 3 2 32। उसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अलग से 9 बीड्स है सिंगल तो 9 लिखेंगे। अब 1 2 3 4, तो 4, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5, 1 2 3 4, तो 4, यहाँ पर 1 2 3, तो 3। तो समझ में आया हमें यहाँ पर किस तरह से करना है कि जो नेकलेस है उसमें 10 बीड्स है वो हमें पता है, तो अब हमें कितने नेकलेस है वो देखने, क्योंकि एक नेकलेस के अंदर तो ऑलरेडी 10 बीड्स तो दिए ही है, तो हमें देखना है कि टोटल ऐसे कितने नेकलेस है ना, और फिर जो अलग से है वो बीड्स हम काउंट करके वंस की साइड पे लिखते हैं ताकि हमें हमारा जो आंसर है वो ठीक से मिले। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5। अभी यहाँ पर मैंने 5 के बिफोर और आफ्टर क्या आएगा वो लिखा है, तो चलो 5 का बिफोर क्या होता है 4, क्योंकि 5 का बिफोर, बिफोर मतलब क्या कि पहले, तो 5 के पहले कौन सा नंबर आता है तो 4। अब 5 का आफ्टर लिखना है तो 5 के बाद कौन सा आता है तो 6। व्हाट कम्स बिफोर 6, चलो अभी 6 के पहले क्या आता है तो 5। व्हाट कम्स आफ्टर 1 के बाद क्या आता है तो 2 और 3, है ना, 1 के बाद 2 और 3 आता है। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 4 यानी 4 के बिफोर यानी पहले और 4 के बाद क्या आता है तो 4 के बिफोर यानी 3 और 4 के आफ्टर क्या आएगा 5, यानी 4 का बिफोर नंबर है 3 और 4 का आफ्टर नंबर होगा 5। व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स, चलो नेक्स्ट नंबर मतलब क्या कि 2 के बाद जो ब्लैंक्स दी हुई है, देखो यहाँ पर लाइन किए मैंने यानी ये ब्लैंक्स है लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए, तो 2 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा तो 2 के बाद 3 और 4 होगा। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है। चलो अब उसके बाद लास्ट पेज है एडिशन, चलो देख लेते हैं एडिशन में 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो अब 0 प्लस 9 9 हमने ऐड किए हैं, मतलब क्या होगा कि 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ पे हमने 9 ऐड किए उसमें, तो आंसर 9 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरीके से किया है कि अगर आप ऐसे स्लिपिंग लाइन से करते हैं तो भी वो होगा, स्टैंडिंग लाइन की मेथड से करते हैं वो तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9। उसके बाद 4 प्लस 2 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6। उसी तरह से यहाँ पे सेम है तो 4 प्लस 2 6। अब 5 प्लस 1 तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 सेम, 5 प्लस 1 6। 3 प्लस 6 9, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ गया आंसर 9 सेम 3 प्लस 6 9। अब 7 प्लस 0, ठीक है, उसके बाद 7 प्लस 0, तो 7 में 0 ऐड किया तो 7 में 0 ऐड करना है, यानी 7 में कुछ ऐड नहीं करेंगे तो आंसर 7 सेम मेथड है। उसके बाद 2 प्लस 3, तो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, तो आंसर आया 5 सेम, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। अब 3 प्लस 4, तो 1 2 3 ये 4 और यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आएगा 7। तो ओके किड्स, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, समझना है और बार बार देखते रहना है, जब भी असाइनमेंट करने बैठो तब ये वीडियो देखना है ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो जाए और आपको अच्छे से असाइनमेंट समझ में आए। ओके किड्स, तो आज के लिए इतना ही, और यही वीडियो की हेल्प से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट में आंसर लिख दिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके किड्स, थैंक यू।